हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग मेरे साथ बने हुए उस सफर में जहां हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब आज जो हमारे पास पढ़ने वाला टॉपिक है इस लेक्चर में, वो क्या है हमारे पास में, प्रोटीन। पर चलिए एक बात थोड़ी सी इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं और उसमें से भी मैं बोलता हूं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वाला, बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो हम प्रोटीन को यहां पे जानेंगे किस नाम से, या हम जानेंगे इसे अमाइनो एसिड्स के नाम से। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि जो केमिस्ट्री वाले होते हैं ना, इन लोगों को आदत होती है क्या कि पहले तो देखा सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस के बाद में हम लोगों ने और उसको तोड़ना चालू करा, हम मॉलिक्यूल पर एंटर करें, मॉलिक्यूल से अंदर हम और ज्यादा फिर एटमों पर एंटर करें, एटमों को भी ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो क्वार्क्स होते हैं, मेसॉन पाइमेसॉन और पार्टिकल्स के अंदर हम लोग चले जाते हैं। तो यहां पर ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास ये चैप्टर पूरा चलने वाला है। क्लियर हो गई बात? ऑल क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखो, अगर सबसे पहले आप प्रोटीन्स की बात करते हो तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है रिगार्डिंग प्रोटीन। बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन आपको बताई गई है, ज्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से जो लिंक किए गए अमाइनो एसिड्स होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, उनके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोटीन कहलाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं या जिससे हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ या हमारी ग्रोथ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, है ना, ये सिचुएशन होती है। अब देखो, बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब क्या, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम जैसे ये बॉडी बिल्डर लोग रहते हैं, या फिर बोला जाए कि जब कभी भी हमारी बॉडी को ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, बढ़िया मसल्स वसल बनाने वाले लोग रहते हैं, तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। वो होते हैं प्रोटीन पाउडर खाएंगे, प्रोटीन डाइट खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारे पास में हमारी ग्रोथ जो होती है ना स्टार्टिंग वाली, हमारे मसल्स के होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जैसे मैंने बोला है अमाइनो एसिड्स के ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जरा समझिएगा इस बात को कि ये अमाइनो एसिड एक्चुअल में बोला किसे जा रहा है। अगर आप देखो तो यहां एक NH2 ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमाइन। और ये वाला ग्रुप क्या है, ये देखा जाए COOH, तो ये है आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहानी बड़ी ही सिंपल सी है कि जब कभी भी ऑर्गेनिक चेन में या कार्बन हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन चेन में दो फंक्शनल ग्रुप, एक तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या होगा, अमाइन, जब ये इस तरह से जुड़े हुए होंगे एक साथ, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। देखो ये डेफिनेशन आपको दिखा दी गई है, ये क्या दिखाया, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग दिखाया, बट अभी मेन डेफिनेशन आना बाकी है जहां पे हम लोग उसको जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसमें देखेंगे। बट उसके पहले क्या करो, फटाफट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया गया, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स की तरफ, तो इसका इंट्रोडक्शन जरा जान लेते हैं। अमाइनो एसिड्स की कहानी क्या है कि अमाइनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, दो फंक्शनल ग्रुप, एक अमाइन होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये चीजें आपको बता दी गई है। चलिए तो यहां पे भी यही लिखा हुआ है, फिर बोलता है अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक, द अमाइनो ग्रुप NH2 इज द बेसिक। ये क्या होने वाला है, बेसिक होने वाला है, जबकि जो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, वो ऑब्वियस बात है नाम से ही पता चल रहा है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिर क्या बोला जाएगा, अमाइनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर. प्रोटीन स्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको बनाने में ये हेल्पफुल रहता है. ठीक है, चलिए जरा हम लोग यहां पहुंचते हैं अमाइनो एसिड्स में कहां तक और किस तरह से पहुंचा जाएगा. बड़ा इजी है. अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज हाइड्रोलिसिस करना. तो हम लोगों ने क्या देख के रखा हुआ था, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल था जिसका हाइड्रोलिसिस करा जिससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला. तो यहां पर भी ऐसी ही कुछ कहानी होती है. देखिएगा बड़ा ही सिंपल है, समझिए. यहां सबसे पहले आपके पास में फर्स्ट यूनिट होने वाली है प्रोटीन. जब कभी भी प्रोटीन का किया जाता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने बता दिया था, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या कि जब कभी भी पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाएगा दैट इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. अब देखो प्रोटीन का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलता है पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है, क्या मिलते हैं आपको, पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं. अभी इस पे भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना, यहां भी समझेंगे. फिर इस पॉलीपेप्टाइड्स का दोबारा से क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस. तो ये देखिए जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, पेप्टाइड्स में. ठीक है, अगला. अब फाइनली जब इन पेप्टाइड्स का फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, ठीक है, तो अब जाके फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमें मिलता है अमाइनो एसिड. ठीक है, इनसे क्या मिल जाएगा हमें, अमाइनो एसिड. ठीक, ये सिचुएशन होगी. एक सबसे सिंपल सा अमाइनो एसिड आपके साथ में यहां पर डिस्कस करता हूं, बड़ा ही सिंपल सा है. हमारे पास में ये है ग्लाइसिन. ठीक है, क्या है ये, ग्लाइसिन. एक अमाइनो एसिड हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्लाइसिन. इसके अंदर क्या होगा कि एक COOH ग्रुप आपके पास यहां प्रेजेंट होगा, इससे जुड़ा होगा एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इस तरफ एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा ऐसा. ठीक है, सिंपल सा चीज है ग्लाइसिन. अब देखो होता क्या है इसमें, बड़ा ही आसान है. अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने बोला कि पहले प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है, पॉलीपेप्टाइड्स मिलते हैं आपको, फिर हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड्स मिलते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस से अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. अब सिंपलेस्ट वाला में हमारे पास ग्लाइसिन है जिसमें दो कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक फंक्शनल ग्रुप अमाइन है. ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की यहां पर क्या खासियत होती है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर पे हाइड्रोजन. यहां अमाइन ग्रुप की अगर आप बात करते हो दैट इज NH2, तो इसकी खासियत होती है कि नाइट्रोजन के पास में क्या रखे हुए रहते हैं, लॉन पेयर्स रखे हुए रहते हैं. अब यहां पर इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है जरा समझिएगा. यहां मैं अगर बोलता हूं COOH में से अगर ये H पॉजिटिव यहां से निकल जाए तो ये वाला जो सरफेस होगा ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास में कहलाएगा एसिडिक ग्रुप. ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक. और अगर NH2 की बात की जाए तो इसके साथ कहानी क्या होती है, जैसे ही H पॉजिटिव यहां आता है तो इसे दिखाई देती है नाइट्रोजन की लॉन पेयर. तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तो लॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, बेस. तो आप क्या बोलोगे, जिस तरह से ये वाला फेज एसिडिक है उस तरह से ये वाला फेज क्या हो जाता है हमारे पास में, बेसिक या बेस हो जाएगा. ठीक, इसका मतलब देखो अमाइनो एसिड्स कितने ही खतरनाक टाइप के कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही समय पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक ही समय पे बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स. क्लियर हो गई बात, क्लियर हुआ, ये सबसे बेसिक है. अब जिसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये कार्बन की चेन लगातार क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है. ठीक, ये ऐसी कुछ सिचुएशन है. चलिए अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए फिर आगे डिस्कशन करते हैं हम इसी पे. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया,
चलिए इसे कर देते हम लोग इरेज। अब देखो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जनरल स्ट्रक्चर की बात की गई है जो अभी हम लोगों ने यहां पे देखा था। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहां क्या बोल के रखा है, अमाइनो एसिड्स आर लर्न्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। अच्छा देखो इसमें है ना, लड़ाई मत करना तुम लोग, मेरे से लड़ने मत लग जाना, क्योंकि कई लोग अमीनो बोलते हैं कई लोग अमाइनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लड़ाई मत करना, मेरे मुंह से अमाइनो अमाइनो निकलता है तो इसलिए अमाइनो बोलता हूं। अगर आप इसको अमीनो बोलते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है अभी तुम लोगों ने देखा होगा ये इंस्टा वगैरह एफबी वगैरह पे काफी ज्यादा चलता रहता है, वो ब्रिटिशर ब्रिटिशर प्रोनाउंसिएशन और अपना जो यूएस प्रोनाउंसिएशन रहता है, कैसे लड़ाई करते रहते हैं, मतलब है एक ही चीज और उस पर लड़ाई करते रहते हैं वो लोग, और लड़ाई भी किस चीज पे, इंग्लिश पे करते हैं, और वो भी इससे कि यूएस वाले बोलते हैं ब्रिटिशर्स को कि तुम्हारी इंग्लिश बेकार है, और वो उनको बोलते हैं जिन्होंने इंग्लिश, जिनकी खुद की लैंग्वेज है, जिन्होंने खुद ने डिस्कवर करा, उनको बोलते हैं। तो ऐसे कुछ चलता रहता है, ठीक है। चलो अभी छोड़ो, अभी अमाइनो एसिड्स पे आते हैं। तो यहां पे बोल के रखा है अमाइनो एसिड्स को जो हम पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास में, अल्फा अमाइनो एसिड। अब बात आती है अल्फा अमाइनो एसिड मतलब क्या, तो अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब यह होता है जब कभी भी दोनों ही एसिडिक और बेसिक फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ जुड़े हो तो वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। याद हो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी ये चीज पढ़ के ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखी हुई थी कि आपके पास में जिस कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इसके बाद तो देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो बस कितना आसान सा है ना, ये ऐसी सिचुएशन है। तो वही बोल के रखा हुआ है ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, ये कहानी है। अब यहां पर आती है अगली बात, द अल्फा कार्बन एटम बाइंड्स टू साइड चेन प्रेजेंटेड बाय आर। आर का मतलब क्या, आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, CnH2n+1। अब इसको आप ऐसा बोल सकते हो ये अल्काइल ग्रुप लंबी चेन भी हो सकती है, इट माइट बी पॉसिबल सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो, या हो सकता है आपके पास में इथाइल ग्रुप हो ऐसा CH3CH2, या हो सकता है आपके पास में ऐसा प्रोपाइल ग्रुप भी हो, या हो सकता है कोई साइक्लिक ग्रुप भी हो, जो भी होगा एक अल्काइल ग्रुप ही होने वाला है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो यहां पे भी वही बोल के रखा हुआ है कि अल्फा कार्बन एटम बाइंड्स टू साइड द चेन रिप्रेजेंटेड बाय आर विच इज डिफरेंट फॉर ईच अमाइनो एसिड्स। जैसे अगर मैंने अभी बात करा कि कहीं पर CH3 जुड़ेगा, कहीं पर उससे और जुड़ेगा, कहीं पे उससे और जुड़ेगा, ये चेन क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। फिर बोलता है अमाइनो एसिड एग्जिस्ट मोस्टली इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो भी आपके पास में अमाइनो एसिड्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब क्या, जैसे आप बात करते हो हमारे ह्यूमन बींग्स की बात की जाए या किसी जानवरों की बात की जाए, तो इनके अंदर जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो ऐसे आयन के फॉर्म में रहते हैं। अब देखो अमाइनो एसिड्स कितने ही आप बोला जाए ना डिफरेंट काइंड्स के हैं। पहले मैंने बता दिया कि अमाइनो एसिड में आपके पास में एक ही कार्बन पे एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो ये तो एक बड़ी खतरनाक सी बात हो गई। और दूसरी बात यहां पर ये खतरनाक होती है कि अगर एसिड ने अपना रंग दिखाया, एच पॉजिटिव को निकाला, तो क्या बच गया, COO-, और उसी तरह से NH2 के लॉन पेयर जो थे नाइट्रोजन के, उसने एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया तो क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। एक ही कंपाउंड में जब आपको यहां एनायन और सेम टाइम पे आपको केटायन भी मिल रहा हो, तो ऐसी ही सिचुएशन को हम लोगों ने किस नाम से जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसी सिचुएशन को ही हमने जाना है ज्विटर आयन के नाम से। ये लीजिए, इसीलिए जो आपके पास में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है उसमें आता है ये पॉइंट कि ज्विटर आयन्स क्या होते हैं। तो आप अब क्या एग्जांपल दोगे, सिंपल सा, कि सर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं और स्पेसिफिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स, तो इन अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर जो एसिडिक वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन को लूज करके
ऐसा सी डबल ओ नेगेटिव बनाता है, और जो अमाइन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन को गेन करके NH3 पॉजिटिव बनाता है। सेम टाइम पर अगर कैटायन और एनायन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनको क्या कहा गया है? ज्विटर आयन कहा गया है। है ना, बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, अब क्या होता है कि आप खुद सोचो, अगर कोई मॉलिक्यूल इस स्टेट में है, ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। अब इसको कोई मतलब नहीं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पर वहीं अगर आप ये सोचो कि अगर वो इस स्टेट में है, ज्विटर आयन की स्टेट में है, तो अब क्या होगा? उसकी मर्जी है कि वो किसी के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। अगर कोई कैटायनिक नेचर वाला होगा वो उसके पास भी चले जाएगा, कोई एनायनिक नेचर वाला होगा वो उसके पास भी चले जाएगा, उसे कोई टेंशन नहीं होने वाली है। ऐसी सिचुएशन है। क्लियर हो गई बात? इजी? ठीक, चलिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ते। ज्विटर आयन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाट इज ज्विटर आयन्स, या ज्विटर आयन्स किसे कहा जाता है, तो ऐसी स्टेट को क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन्स। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए कर देते हैं अब इसे इरेज। अब देखिए, यहां पर जो बात की गई थी सबसे पहले शुरुआत में, कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो अब जरा हमें यही समझना है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, मैं बड़े सिंपल से एग्जांपल लेकर चलता हूं। जैसे आपके पास में रखा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या होगा? एक तो सी डबल ओ H, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। यहीं पर आपके पास में अमाइन NH2 भी जुड़ा हुआ रहेगा, यहां पर रहा हाइड्रोजन, और यहां पर क्या रहा आपके पास? अल्काइल ग्रुप रहा। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब देखो सिचुएशन क्या होगी, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दे, अच्छा नहीं दिख रहा यहां पे कार्बन, तो मजा नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन रही। अब जब यहां पर आप NH2 ग्रुप को लेकर आते हो, तो यहां जब आपने ऐसा रख दिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहां सिचुएशन क्या है। यहां पर हमें मालूम है कि क्या रिलीज होने वाला है, यहां पर H पॉजिटिव रिलीज होने वाला है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके पास में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, करना कुछ भी नहीं रहता है कि ये जो आपकी दो साइड्स होती हैं, एक एसिडिक साइड और एक बेसिक साइड, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर इजिली हो जाएगा ये, इसको ऐसा बना दिया। तो जो एसिडिक और बेसिक साइड होती है ना, ये एक दूसरे की तरफ इंट्रैक्ट होती है, और इससे क्या होता है? इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक, अब देखो इनको हम जोड़ने का काम करते हैं। हमारे बॉडी में हम लोगों ने क्या देखा था? बायोलॉजिकल सिस्टम में ये अधिकतर आयनिक फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो अभी हमने बोला एसिड फेज, एसिड और बेस वाली जो फेज होती है आपस में इंटरेक्ट होती है। पर देखो होती किस तरह से है, कि अगर आपने बोला एसिड ने अपना रंग दिखा दिया तो उसने सी डबल ओ नेगेटिव बना दिया। फिर मैंने बोला यहां पे तो सर हमारे पास में चल रहा था NH2, यहां चल रहा H, और यहां पर क्या मान लिया? कोई अल्काइल ग्रुप, R मान लिया। सेम उसी तरह से अगर बेस ने अपना रंग दिखाया होगा तो उस पे NH3 पॉजिटिव आया होगा। जी हां, बिल्कुल सही। फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर ये रहा R, फिर ये रहा H। अब देखो यहां पे तुम लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी कि एक तो O नेगेटिव है और यहां पर H3 यहां पर, और वो नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में है। तो जस्ट सिंपली यहां पर काम ये होगा कि यहां का एक ऑक्सीजन यहां के दो हाइड्रोजन को क्या करेगा? लेकर चला जाएगा, H2O को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और जैसे ही यहां से आपका H2O निकल गया बाहर, तो अब यहां पर क्या हो गए? बॉन्ड फॉर्म हो गए। कैसे बॉन्ड फॉर्म हुए? RC, और उसके बाद यहां बना H, फिर यहां बना C। अच्छा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैं ऊपर बना देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ वाला, तो ये बना सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर बना है हमारे पास में NH
ठीक है, ये ऐसा कुछ, क्योंकि देखो दो तीन हाइड्रोजन थे ना, तीन में से दो निकल गए, तो यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास में, एनएच बच जाएगा। फिर उसके बाद में सारा का सारा सीक्वेंस वैसा का वैसा ही चलने वाला है। ये ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे अब क्या हो गया, यहां पर आपको बॉन्ड बनते हुए दिखाई दिए, यहां पर नए बॉन्ड कहां दिखाई दिए, एक ये कार्बोक्सिलिक वाले फंक्शनल ग्रुप में और एक ये अमाइन वाले फंक्शनल ग्रुप में। तो इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड। और जब कभी भी किसी भी अमाइनो एसिड वाले ग्रुप्स के अंदर 10 से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स मतलब क्या, जब 10 या 10 से ज्यादा आपके पास में बॉन्ड यहां ऐसे पेप्टाइड वाले बनेंगे, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गई बात, इजी था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं या पेप्टाइड्स क्या होते हैं, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स या पेप्टाइड्स वो होते हैं जिसके थ्रू दो अमाइनो एसिड ग्रुप को आपस में जॉइंट किया जाता है। देखो द अमाइनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर इन प्रोटीन बाय अ कोवेलेंट अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्लियर हो गया, इजी है, बहुत ही इजी है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक, अब देखो इसे भी कर देते हैं हम लोग, एज बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में हमने देख लिया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स क्या हैं, ज्विटर आयंस क्या हैं। तो उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास पढ़ने आती है वो आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो देखो इसके अंदर क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से भी होते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप के अकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो रहते हैं वो एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी कंटेन करेंगे, कुछ और भी यहां पर रहेगा, बट हमारे पास में हमारी काम की चीज के ऊपर अभी फोकस करते हैं, ठीक है। और उसका मेन रीजन ये होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है ये कंप्यूटर की तरह है। अगर आप कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में दे लगातार भरे जा रहे हो बिना मतलब की बहुत सारी चीजें भरे जा रहे हो, तो उसके साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो मेमोरी है वो फुल होने लग जाएगी, और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है या प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग काम काम की चीजों पर ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात की जाए तो अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, कैसे कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहां ऑब्वियस बात है, जिसमें सी डबल ओ एच ग्रुप ज्यादा होंगे दैट इज एसिडिक, जहां एनएच टू की डोमिनेंस होगी वो बेसिक हो जाएगा, और जहां काउंटर रहेगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अमाइनो ग्रुप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। फिर ये बोलता है इन देयर मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, मेक्स इट न्यूट्रल। जैसा अभी देखा था ना हम लोगों ने, अभी क्या देखा था, ग्लाइसिन देखा था जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड था और एक अमाइन ग्रुप था हमारे पास में, ठीक। मोर नंबर ऑफ अमाइनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेक इट बेसिक, ज्यादा अमाइनो मिले मोर नंबर तो उसको बेसिक बना देगा, और ज्यादा नंबर ऑफ क्या मिल जाए आपको, कार्बोक्सिलिक, तो उसे क्या बना दिया जाएगा, एसिड। सिंपल कहानी। फिर देखो The amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential. ठीक है, अब देखो बड़ी ही क्या बोलना चाहिए, हास्यात्मक बात होती है कि हमारी बॉडी जो बना लेती है तो उसको हमने काम नाम क्या दे दिया, non-essential, उसकी जरूरत ही नहीं बोल के, ठीक है। अगर ऐसा इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एसेंशियल मतलब जरूरत नहीं है हमारी बॉडी जो बना रही है। और उसके बाद में ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल। बताओ कैसी बात कर देते हैं कि बाहर से जो चीजें हमें मिलेंगी हमारी बॉडी खुद ना बना पाए तो वो हमारे लिए इसेंशियल है, वो जरूरी है, पर हमारी बॉडी जो हमारे लिए बना रही है वो क्या है, नॉन इसेंशियल। इसीलिए ना हमारी हिंदी में बड़ी एक अच्छी सी कहावत बोल के रखी गई है, क्या, घर की मुर्गी
दाल बराबर, छोटे में मुझे समझ भी नहीं आता था, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम बोल तो देते थे, हमारी मैडम ने हमको सिखा भी दिया था, बट मतलब समझ में नहीं आया था। बहुत बाद में जाके हम लोग को पता चला घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये होता है कि दाल मतलब नॉर्मल खाना, मुर्गी मतलब क्या, चिकन विकन की सब्जी, जो एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा खाना समझा जा रहा है। तो यहां पर वही होता है कि घर में अगर आपकी मुर्गी हो तो घर की मुर्गी को अगर आपने वहां मस्त सब्जी वब्जी बनाया तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी, बखत नहीं रहेगी। या बोल सकते हो चिकन घर पे बनाए तो इतनी वैल्यू नहीं है, बाहर होटल से लेकर आया तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो उसी तरह से कुछ कहानी होती, तो ये कहानी है। ठीक है, हमें क्या करना, हमें क्या करना है खाने पीने से, अभी तो हम बात करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की। अच्छा, इसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छी चीज आपके पास में, क्वेश्चन कई बार आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये बताओ फॉलोइंग चार में से कौन से एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है, ये पूछा जा सकता है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी मैं याद कर लेता हूं तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। सपोज अगर मैं सारे एसेंशियल प्रोटीन की टेक्निक कुछ याद कर लूं तो मुझे क्या हो जाएगा, चीजें बहुत इजी हो जाएगी कि मुझे छांटना है कि एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, तो वो काम इजी हो जाएगा। अब देखो वो काम हम लोग इजी करते हैं कुछ इस तरह से, एसेंशियल अमाइनो एसिड की हमारे पास में एक टेक्निक देके रखी गई है, क्या, चलिए जरा डिस्कस किया जाए। देखो इस टेक्निक में क्या बोल के रखा है, आई लव टॉम वेरी मच, परहैप्स टॉम लव्स हिम, ठीक है, ये बोल के रखा हुआ है। अब ये ना, ये इस पे मत जाना तुकबंदी पे कि सर ये क्या बनाया है, किस लिए बनाया है, वो चीज पे मत जाओ, सीधे सीधे काम की बात करते हैं कि इससे हमें क्या याद हो रहे हैं, सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड याद हो रहे हैं। देखो कैसे, अगर मैं बोलता हूं आई, आई से क्या है, आइसोल्यूसाइन, फिर उसके बाद में लव, लव से क्या है, लुजाइन। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, जो जो आपके पास में कैपिटल वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, तो वहां से आपका काम चल जाएगा। जैसे ये आई लिखा हुआ है, एल लिखा है, टी वी एम ए पी टी एल और एच, ठीक है, ये वाली कंडीशन देके रखी गई है। अब देखो यहां क्या क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले आपने बात करा आई से आइसोल्यूसाइन, फिर लव से लुजाइन, फिर उसके बाद में क्या होता है, टॉम, टॉम का जो टी है, टी से क्या बना है, थ्रोनाइन बना हुआ है, फिर वेरी से क्या बना है, वेलाइन बना हुआ है, मच, मच से क्या बना है, मिथियोनाइन बना हुआ है, फिर एंड के ए से बना है आर्जेनाइन, फिर बना है परहैप्ड फिनाइल एलेनाइन, फिर अगेन टॉम आया तो क्या है, टायरोप्थेन, फिर क्या है, लव्स, लव से क्या है, लाइजीन, और हिम से, तो हिम से क्या है, हिस्टाइडिन या हिस्टिडाइन भी बोला जाता है इसको। तो ये सारे क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। याद क्या करना है, बस ये लाइन, आई लव टॉम वेरी मच एंड परहैप्स टॉम लव्स हिम, ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास में देके रखी गई है, तो बस इतना सा याद रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा तुम लोगों से एक और चीज बात करता हूं मैं, अगर तुम लोगों में से कोई भी इस जॉनरा में आता है या फिर इन लोगों के बीच में बैठता है, जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले रहते हैं, तो अगर थोड़ा अच्छे नॉलेजेबल होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर वो देखते हैं। तो प्रोटीन पाउडर को जब वो लोग चेक करते हैं ना, तो उसे चेक करते टाइम पर वो लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो प्रोटीन का पूरा उसमें कॉन्टेक्स्ट बना रहता है कि कौन कौन से प्रोटीन उसके अंदर पाए जाएंगे, तो पता है सबसे पहले वो लोग क्या देखते हैं, वो देखते हैं इसको, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, इनको देखा जाता है, ठीक है, ये इन तीन को सबसे पहले वो लोग देखते हैं। अगर ये तीनों का जो उसके अंदर अमाउंट है वो अच्छा रहेगा तो लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत खरीद लेते हैं, उसकी जो प्रोटीन प्रोफाइल होती ना वो चेक करते हैं। कि देखो एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों अमाइनो एसिड्स है, हमारी बॉडी भी क्या करती है, अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन को बनाती है, पर वो क्या है, नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, जिससे ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो क्या होती है, एसेंशियल। तो उसमें ये तीनों को सबसे पहले वो लोग देखते हैं, ठीक है, कईयों को मतलब पता ही नहीं होता ये करेगा क्या बॉडी बनाने में, बस ये देखते हैं कि एसेंशियल में ये तीन होना, तीन हो गया मतलब भर भर के मसल बन जाएगी, पर पता नहीं क्यों उन लोग को ये लगता है कि बस हां खा लिया और हो गया करके। ठीक है, चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्लियर हो गया, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह के हमारे पास प्रोटीन है पढ़ने वाले। तो अब देखिए, अब इसमें भी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक टॉपिक दिया हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब इसको मैं जरा समझा देता हूं, बहुत ईजी है।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम यहां पर बात करते हैं चार तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से, पहला वाला होगा हमारे पास में ऑब्वियस बात है प्राइमरी, ठीक है। पहला वाला क्या हुआ, पहला वाला हुआ हमारे पास में प्राइमरी। दूसरा ऑब्वियस सी बात है सर सेकेंडरी ही होगा, तो लीजिए दूसरा होता है हमारे पास में सेकेंडरी। और उसके बाद तीसरा होगा हमारे पास में टर्शरी, ठीक। और जो फोर्थ वाला होगा वो होगा हमारे पास में क्वार्टरनरी, ठीक है। ये चार हमारे पास में क्या होने वाले हैं अगर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाए तो। सॉरी, अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा होता है। जो नॉर्मल अभी पेप्टाइड बॉन्ड देखे थे हमने इसे सीधी सीधी चेन में, तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाएगा। देखिए किस तरह से, अगर मैं बात करता हूं कि सपोज ये रहा कार्बन, इसमें यहीं पर मेरे पास में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पर जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, और यहां पर जुड़ा हुआ है ये अमाइन ग्रुप, सॉरी NH वाला, ये इस तरह से। और इसी से अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो तो ये बना C डबल बॉन्ड O, फिर C यहां पर बनाया मैंने NH2, फिर उसके बाद में यहां अल्काइल ग्रुप लगा दिया और यहां लगा दिया हाइड्रोजन। तो नॉर्मल जब सीधी सीधी चेन होती है जहां पेप्टाइड बॉन्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी, ठीक है, ऐसे सिचुएशन है। अब यहां पर होता क्या है, प्राइमरी ऐसा सीधा शेप है। अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, रोटेट कर देता हूं, फोल्ड कर देता हूं, एक सिंपल सा है, जैसे आप बात करते हैं कि थ्रेड है, थ्रेड को इसके चारों ओर मैंने बांध दिया तो ये एक स्पाइरल शेप बना देगा। और ये जो स्पाइरल शेप होता है, ये स्पाइरल शेप क्या कहलाएगा हमारे पास में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं क्या, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, अल्फा हेलिक्स। अब देखो ये अल्फा हेलिक्स एक्चुअल में बनता कैसे है जरा समझ लेते हैं हम लोग। जस्ट हमने क्या करा, इस ग्रुप को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। तो अब देखो यहां इसका थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूं जिससे कि समझ में इजीली आ जाए। अरे ऐसे इरेज कर दिया जाए, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन दे के रखिए। अब देखो जिसको भी आपने ट्विस्ट करा वो ऐसे सीधी सी लाइन थी। अब जब आप इसे ट्विस्ट करते हो तो ट्विस्ट करते समय क्या होगा कि सपोज मैं यहां बात करता हूं, ये रखा है हमारे पास में कार्बन, ठीक है। इसको क्या कर दूं, मैं इधर ही बना दूं ऐसा, ये देखो ये कार्बन रखा हुआ है। इस कार्बन के साथ क्या है कि ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन वो होते हैं जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आपके पास में जुड़े हुए हो और साथ ही साथ में क्या हो, आपके पास में क्या हो, आपके पास में अमाइन ग्रुप भी जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो अब देखो ये जो अल्फा कार्बन होता है ना, इसके साथ में जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो दूसरे वाले जो अमाइन ग्रुप जो रहता है ना हमारे पास में एनएच वाला, तो इसके साथ में क्या करता है, ये इंटरेक्शन को शो करता है। देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे ना यहां पर इस तरह से, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं। तो इन पेप्टाइड बॉन्ड्स में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि सपोज ये वाला कार्बन इधर बैठा हुआ है, ओह माय गॉड ये क्या कर दिया, ये वाला कार्बन इधर बैठा हुआ है, ये वाले कार्बन में क्या है, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमने बोला ओके। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन जिसमें क्या है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसको बना देता हूं ऐसा ऐसा और ऐसा। तो अब देखो क्या होगा, इनके बीच में इंट्रैक्शन होना चालू हो जाता है, अट्रैक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। इसको पूरा हम NH बनाएं तो ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा, ये NH बनाया तो इनके बीच में क्या होता है, ऐसा इंट्रैक्शन होना चालू हो जाता है और इसी इंट्रैक्शन की वजह से ये पूरे ऐसे स्पाइरल रिंग बन जाते हैं। अभी तो मैंने कॉर्नर पर बना दिया, सेम यही सिचुएशन हर जगह होगी। जैसे एक यहां हुआ एक यहां हुआ, इनके बीच में भी इंट्रैक्शन होगा, एक यहां हुआ और एक यहां हुआ, इनके बीच में इंट्रैक्शन, एक इधर एक इधर। तो इनके बीच में जब ऐसे इंट्रैक्शन होने चालू होते हैं ना, तो जो सीधी चेन है वो ऐसे स्पाइरल रूप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी को क्या कहा गया है, अल्फा हेलिक्स। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गए हमारे पास में, अल्फा हेलिक्स। और सेम स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी में होता है दूसरा वाला, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बीटा शीट, ठीक है। क्या बोला जाता है, बीटा
शीट, ये शीट की तरह होते हैं। इसमें भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर होने वाले हैं, एक होने वाला है आपके पास पैरेलल शीट और दूसरा होने वाला है क्या, एंटी पैरेलल शीट। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। इसको स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा देते हैं कि अगर आपके पास में पैरेलल, अच्छा इसको एक काम करूं अगले वाले से बता दूं, अल्फा तो क्लियर हो गया ना, अल्फा क्लियर हो गया कि यहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड वाले सी डबल ओ और ये जो एनएच ग्रुप थे इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से ये शेप आपके पास में बन रहा है। अब देखो जो बीटा शीट होती है, जरा इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, बीटा शीट में क्या होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल ये कहानी होती है। तो पैरेलल की कहानी ये है कि यहां ये कार्बन बना डबल बॉन्ड ओ और इसी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये एनएच ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर ये गाड़ी आगे बढ़ी, फिर यहां पर हम ऐसे गए, ठीक है, फिर यहां पर ऐसे गए, फिर यहां क्या बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पर क्या बना हुआ है, हमारे पास में एनएच ग्रुप बना हुआ है, फिर गाड़ी ऐसे गई, फिर गाड़ी ऐसे गई और फिर यहां पर क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पर बना हुआ है मेरे पास में एनएच ग्रुप। अब जैसा ये शेप बना है इसी के जस्ट पैरेलल ऐसी शीट लगा दी जाए, कौन सी, इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ना यहां पे, ये ऐसी बिल्कुल पैरेलल में शीट लगा दी जाए तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है पैरेलल बीटा शीट कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कुछ उल्टा बना दिया क्या मैंने, NH ऐसा बनाया फिर C डबल होना, हाँ ये गलती कर रहा था मैं, ये बनाया NH फिर ऐसा फिर ऐसा फिर उसके बाद में बनाया C डबल बॉन्ड O ऐसा फिर उसके बाद बनाया NH, तो ये क्या कहलाता है, बीटा पैरेलल शीट। देखो पैरेलल है और यहां इंटरेक्शन कहां होगा, जरा देखिए यहां पर अगर मैं इंटरेक्शन की बात करता हूं, ये इंटरेक्शन हुआ, ये इंटरेक्शन हुआ, ये इंट्रैक्शन हुआ, तो जैसे आपने वो स्पाइरल वाले में देखा था ना अट्रैक्शन, सेम यहां पर भी होता है। तो ये किस लिए होता है, ये होता है हमारे पास में पैरेलल बीटा शीट। और एंटी पैरेलल में क्या हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा ही चेंज है, आप लोगों के लिए बहुत इजीली ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये कहानी भी ऐसी है जैसा आपने बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, ये बना के रखा है, बस फर्क यहां पर ऐसा हो जाएगा कि यहां पर आपके पास में एंटी पैरेलल में ऐसा हो गया, ये लीजिए ये हो गया एनएच ग्रुप। अब उसके बाद में गाड़ी आगे बढ़ा दो, ये हुआ हमारे पास में कि सर ये रहा एनएच, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर मेरे पास में ऐसा बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पर आपके पास में आ गया एनएच, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहां पर आ गया एनएच, तो इससे जस्ट उल्टा बन गया। ये देख रहे हो यहां पर एरो आपको ऐसे, ये नुकीला हिस्सा ऐसे दिखाई दे रहा है, अब ये वाला हिस्सा ऐसे दिखाई देगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहां गाड़ी हमारे पास में आगे बढ़ेगी, ये जो एनएच वाला पोर्शन था यही का यही उठा के वहां रखा हुआ है, यहां पर हम लोग ऐसे गए, यहां बना दिया अब मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद में मैंने यहां पर बनाया क्या एनएच, ये ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती चली जाएगी। तो बस ऐसा ही करना रहता है और कुछ भी नहीं, और शीट क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलती जानी चाहिए। ठीक है, ये कहानी होती है हमारे पास में, क्लियर हो गई बात। तो वैसे इसको बताना था नहीं पर अभी बात निकली थी तो मैंने बता दिया, क्योंकि इतना कुछ आता नहीं है पर फिर भी आप लोग को जानने का अधिकार है, आप लोगों को अल्फा हेलिक्स आता है, शीट वैसे कम ही आता है और वैसे भी कोर्स अभी इन लोगों ने लिमिटेड कर दिया है, तो आप लोगों का मेन काम क्या होगा, इस चीज को पढ़ना। चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद में यहां दो शेप और दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है टर्शरी जो कि क्या होता है हमारे पास में थ्री डायमेंशनल शेप होता है, और उसके बाद में हमारे पास में क्वार्टरनरी जो कि होगा वही 3D पर 3D में ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को शो कर देगा। तो ये दोनों वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, बस सिंपली ये था कि स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कैसे डिवाइड करा गया है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, और सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स को ध्यान रखना क्योंकि आगे जाके जो हम वहां पढ़ते हैं ना आरएनए डीएनए वाला, तो वहां पर यह हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर कर दे इसे, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब देखिए अगला बोला गया है, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। उनके मॉलिक्यूलर शेप के आधार पे दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जरा देखते हैं। पहला वाला होता है फाइबरस प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है, इसे रेशेदार। ठीक है, फाइबर का मतलब क्या होता है, ऐसा रेशेदार। तो रेशेदार में क्या बोला गया है कि फाइबरस प्रोटीन कंटेन सेकेंड स्ट्रक्चर, दीज सेकेंड मतलब वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दीज आर एनिमल प्रोटीन एंड आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर, एग्जाम्पल इलास्टीन, कोलाजन और केराटीन। ठीक है, कोई केराटीन बोलता है, कोई केराटीन बोलता है। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास में, ये सारे होते हैं फाइबरस प्रोटीन। अब जरा इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो फाइब्रस प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोल के रखा है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऑब्वियस बात है आपका अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बोल रहे ना, ऐसा स्पाइरल स्पाइरल जैसा करा, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बनाने से होगा क्या कि बस हमें यह दिखाना होता है कि इनके बीच में जो यहां ये मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं, जिस इंटरेक्शन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है, ऐसा लीनियर नहीं जाता। जैसे यहां पर हो रहा है इंटरेक्शन, वैसे ही सपोज यहां पर भी हो रहा होगा और यहां पर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन होने की वजह से ये इस तरह के फॉर्मेशन को बनाते हैं। तो जो आपके पास में फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर, रेशेदार होते हैं। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन होती है। अब अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, देखो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह को फॉलो करते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि जब भी आप उस चिकन को यूज करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट चिकन को प्रिफर करते हैं, बिकॉज ऑफ कि उसमें क्या होगा, वो एक फाइब्रस प्रोटीन का ही रूप होता है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपने देखा होगा कि वो जो ब्रेस्ट चिकन होता है वहां पे क्या होता है, ऐसे रेशे होते हैं। जब आप उसको अलग अलग करते हो ना, तो उसमें आपको धागे धागे रेशे टाइप के दिखाई देते हैं। तो वही क्या है हमारे पास में, फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, ये कहानी है। अब जैसे यहां पर बोला हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो अगर आप कोलाजन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये क्या होता है, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ट्रिपल अल्फा हेलिक्स में क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जो आपने अल्फा हेलिक्स बना के रखे हैं ना, तो ये अल्फा हेलिक्स आपस में तीन तीन ऐसे जुड़े हुए रहेंगे। जैसे एक बना दिया, फिर ये बना दिया मैंने दूसरा कुछ इस तरह से, फिर यहां गए ऐसा, फिर यहां गए ऐसा, फिर थर्ड वाले की बात करते तो ये देखो, ये ऐसा, ये क्या होते हैं आपके पास में, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कौन से वाले, कोलाजन वाले। तो यही सिंपल सा हमारे पास में क्या होता है, फाइबरस प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो फाइबर्स फॉर्म में हो और ऐसा बीटा शीट या फिर अभी तो ये अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, इस रूप में प्रेजेंट हो, तो उन्हें क्या कहा गया है, फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर हो गई बात, इजी था। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका भी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दो टाइप थे जिसमें पहला है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, जिसके बारे में बोला जाता है दीज प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन एसिड, वाटर, अल्कोहल एंड बेसिस। Their molecules are folded in compact spherical units. Example क्या है, hemoglobins. ठीक है, कुछ hemoglobin बोलते हैं, कुछ hemoglobin बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर भी अगर shape की बात की जाए तो देखो वही compact shape है, spiral type का। अब वहां पर जैसे बोला था ना कि यहां पर ये जो spiral होता है वो क्यों होता है, तो मैंने बताया था bonding के कारण। ये देखो यहां पर ये दिखाई दे रहा है nitrogen, ये नाइट्रोजन आपके पास में है जिसमें ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, और यही जो अल्फा वाला है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स है, इसका जो ये ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के साथ में, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक अट्रैक्शन को फील कर रहा है। नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन रखा है ना, उसके साथ में एक अट्रैक्शन को फील कर रहा है, और यही अट्रैक्शन ये ग्रीन कलर की लाइन में आपको हर जगह पर दिखाई देगा। तो बताया था ना सब घूमने वाला स्पाइरल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये वही स्ट्रक्चर आपके पास में होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ रहे हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि जो पेप्टाइड वाला एरिया है, उस पेप्टाइड वाले एरिया में रखे हुए जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो क्या करते हैं, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में
हेल्पफुल रहते हैं। ये सिचुएशन आती है हमारे पास में, ठीक है, क्लियर, बड़ा ही आसान है ये भी हमारे पास में। तो चलिए जरा इस ग्लोबुलर प्रोटीन का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, प्रोटीन्स आर सॉल्युबल, तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं किस किस में सॉल्युबल होते हैं, एसिड, वाटर, अल्कोहल, बेस, सभी में सॉल्युबल होते हैं। और अगर आप बात करते हो ना कि प्रोटीन इतने सॉल्युबल क्यों होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों के पास में ही है, क्योंकि प्रोटीन में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। उन पेप्टाइड बॉन्ड्स के बनने से पहले क्या बनता था, याद करो, उन पेप्टाइड बॉन्ड्स के बनने से पहले बनता था हमारे पास में ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही फेज होते हैं, तो दोनों फेज होने की वजह से इसको ब्रेक करना, इससे बॉन्ड बनाना, इससे नए मॉलिक्यूल बनाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाफट इसका भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जैसे ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन, अब उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब बात करते हैं ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर बोल के रखी गई है, फिनोमिनन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन। सबसे ईजी, आपके पास में कोई एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को आपने अगर ब्रेक कर दिया या उसको क्या कर दिया, डिसकॉन्फिगर कर दिया है, या कहीं ना कहीं से उसको बिगाड़ दिया, तो वो क्या कहलाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन। उसी को ही क्या कहा गया है, डीनेचुरेशन कहा गया है। अगली बात करते हैं हम लोग डीनेचुरेशन के रिगार्डिंग, तो क्या बोला है, डीनेचुरेशन रिजल्ट्स द लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी ऑफ प्रोटीन्स, जो उसका सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी शेप होता है, क्योंकि उन शेपों के अंदर क्या होगा, देखो आपको सेकेंडरी पता है, तो अभी सेकेंडरी से बताता हूं, ये सेकेंडरी था, ठीक है। अब अगर डीनेचुरेशन होता है तो इस सेकेंडरी में हमने क्या देखा था, यहां पे जैसे ये है तो ये अट्रैक्ट कर रहा था इसको, या ये वाला जो था अटैच था कहां से, यहां से, अभी स्पाइरल इस वजह से बन रहा था। पर अगर डीनेचुरेशन करवा दूंगा तो हो सकता है कि ये जो शेप है, जो स्पाइरल था, वो ऐसा हो जाए, ठीक है, ये बिगड़ गया, तो इसका जो फंडामेंटल या स्टार्टिंग वाला ओरिएंटेशन था वो बिगड़ गया। क्यों, क्योंकि डीनेचुरेशन करते टाइम पर ये जो अट्रैक्शन वाला या जो इंट्रैक्शन वाला एरिया होता है, इसको बिगाड़ दिया जाता है, जिससे कि आपका प्रोटीन का जो शेप होता है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती तो उसको क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन। और इस डीनेचुरेशन के सिचुएशन पे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, यह सेकेंडरी या थ्री डायमेंशनल टर्शरी या कॉम्प्लेक्स क्वार्टनरी वाले जो रहते हैं अपना ओरिजिनल शेप खो देते हैं। अगर उन्होंने अपना ओरिजिनल शेप खो दिया तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उनका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो जस्ट सिंपल सा इसी को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन, ठीक है। पर अब यहां पर बात आती कि सर प्राइमरी वालों के साथ क्यों कुछ नहीं हुआ, तो आप लोगों को पता होगा प्राइमरी वाले जब जुड़ते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं ना इन पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो ये क्या है, ये देखा जाए तो कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कैटायनिक और एनायनिक नेचर की वजह से दो लोग पास में आ गए। इसमें क्या हो रहा था कि कैटायनिक और एनायनिक नेचर की वजह से ये लोग पास पास आ रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर प्रॉपर रूप से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है, इनका डीनेचुरेशन नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि डीनेचुरेशन क्या करता है, बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इंट्रैक्शन होते हैं तो उनको ब्रेक करके शेप बिगाड़ देता है, तो इसे क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला वाला हमारे पास में देके रखा हुआ है इसके इंटेक्स क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसे भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमाइनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड्स, एक्सप्लेन। ओके, नो प्रॉब्लम, बड़ी ही सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं उन सब की खासियत होती है
कि ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ज्विटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से आप देखोगे कि इसमें कैटाइनिक और एनायनिक दोनों ही फेस प्रेजेंट होती है, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जनरेट करवा सकते हैं। साथ ही साथ में यहां पर क्या है, इनमें पोलैरिटी भी भर भर के निकल कर आ रही है। तो अगर आप बात करते हो वॉटर की, तो वॉटर भी तो अपने आप में पोलर नेचर का ही है, तो क्या होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो बचपन से चली हुई कहानी है वही कहानी यहां दोबारा दोहराई जाएगी और ये दोनों क्या कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना, अमाइनो एसिड्स कैन फॉर्म ज्विटर आयन, सो ज्विटर आयन में देखा जाए तो ये भी पोलर, वॉटर की बात की जाए वॉटर भी पोलर, तो पोलैरिटी हाई होने की वजह से हमने पढ़ के रखा है रूल लाइक डिजॉल्व लाइक का, तो बस इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये कहानी बड़ी ही आसान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना थंब रूल चल रहा है हमारे पास में लाइक डिजॉल्व लाइक का। ठीक है, तो बस इजी। चलिए अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें यहां पर यह बोलता है कि वेयर डज द वॉटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जब आपके पास में एग बॉइल हो जाता है तो उसमें रखा हुआ वॉटर आखिर जाता कहां पर है। बड़ी ही आसान वाली बात बोल दी है यहां पर, जरा समझते हैं। अब देखो एग है, तो एग को देखते से या एग के बारे में सुनते से ही हमारे दिमाग में क्या आता है, ऑब्वियस बात है प्रोटीन। तो अगर आपके दिमाग में आता है प्रोटीन और आपने पढ़ के रखा है प्रोटीन में अभी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऑब्वियस बात है यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जब एग को बॉइल किया जाएगा तो बॉइल करते समय हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोटीन को कर रहे हैं क्या, इस प्रोटीन को कर रहे हैं हीट। और जैसे ही प्रोटीन को हीट किया जाता है तो क्या जनरेट होगा या क्या प्रोसेस होगी, डी नेचुरेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होना लग जाएगा, डी नेचुरेशन होने लग जाएगा। डी नेचुरेशन होता है तो हमने देखा था कि जो प्रोटीन होते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ देते हैं और नई फॉर्म को रिटेन कर लेते हैं, तो यहां भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जैसे ही यहां पर अगर आप बात करते हो कि आपने एग में रखे हुए जो प्रोटीन्स हैं उसको कर दिया है बॉइल, तो जैसे ही आपने इसे बॉइल करा तो बॉइल करने से क्या होता है यहां पर, डी नेचुरेशन। ठीक है, डी नेचुरेशन हो जाता है और जो आपका प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉग्यूलेटेड प्रोटीन के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, जरा इसको अच्छे से लिख दिया जाए, कॉग्यूलेटेड प्रोटीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये जब प्रोटीन अपने आप को चेंज कर दिया, तो मैंने क्या बोला था, इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो अब ये जो कॉग्यूलेटेड प्रोटीन रहता है उस एग में रखे हुए वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, अपने पास लेकर आता है। तो ये जो कॉग्यूलेटेड प्रोटीन है इस वाटर के साथ में मिलकर क्या बना देता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परफॉर्म कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को परफॉर्म कर देता है, जिससे कि इनका खुद का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। और पानी कहीं जाता नहीं है, पानी उसी के अंदर रहता है, बट उसने जो एक नया प्रोटीन का फॉर्म मिल चुका है डी नेचुरेशन की वजह से, उसके साथ वो कॉग्यूलेट हो गया और उसके साथ में कॉम्प्लेक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को यहां पर फॉर्म कर लिया। तो बस इतनी सी बात है। चलिए अब जो इसका भी स्क्रीन शॉट ले लिया जाए। ठीक, क्लियर हो गई बात, तो चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बस इसी नोड के साथ में ये लेक्चर तो हो चुका है हमारा एंड, पर अगर ये बात ध्यान रखो, लेक्चर देख लिया है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, वो क्या, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की एक ऑफिशियल साइट भी है जहां पर आप इसे फ्री रजिस्टर कर सकते हो, और जैसे ही आप इसे फ्री रजिस्टर करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहां पर हमारा सबसे बड़ा मेन मोटो लिखा हुआ है, दैट इज
100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद में जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहां पर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहां कोर्सेज के बारे में दिखा के रखा हुआ है, एनटीएससी ओलंपियाड से लेकर आपके पास में एक्स्ट्रा लर्निंग सारी चीजें दिखा के रखिए। जैसे अभी यहां ऑरेंज कलर का ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या करके रखा हुआ है, ये सिलेक्टेड है फॉर क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ में आपको बहुत सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा यहां वॉच नाउ लिखा है तो उस पर जाना है, क्लिक करना है और सारे लेक्चर आपके पास में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इतना काम कर देंगे तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारे कॉन्टेंट की, तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, फुल चैप्टर वीडियो से करते हैं हम लोग शुरुआत। देन उसके बाद में हमारे पास बनता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन वन शॉट रिवीजन, और वन शॉट रिवीजन के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग क्या आता है, एमसीक्यू सीरीज आता है। तो ऐसी कुछ सीरीज हमारे पास में चलती है, ठीक, और इस पैटर्न से हम क्या करेंगे, आगे पढ़ना चालू कर देंगे। अब देखिए, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और यह रिक्वेस्ट है मेरी कि वो छोटा सा काम क्या करना है, इस वीडियो को कर देना है लाइक, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो उसे क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इन वीडियोज को रिकमेंड करें, तो उस रिकमेंडेशन के लिए क्या करोगे, उस रिकमेंडेशन के लिए कर दोगे शेयर। तो बस इतना सा ही काम करना है, और इसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।